यस लाभो जय यस लाभो जय यस मतवराती सर्व करो सन करो सन करो जस्टिस फॉर द इनजस्टिस डन इन कलकत्ता एंड सिक्योरिटी फॉर द ऑल द हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑफ द कंट्री नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूं सीएम सिटी गोरखपुर में। सीएम सिटी गोरखपुर में एक प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कैंपस में मैं इस समय मौजूद हूं। आप देख सकते हैं पीछे कैंडल मार्च निकालने की तैयारी है और आक्रोश क्या है जो कोलकाता में घटना होती है एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ, जो पूरी घटना हुई उसको लेके इन डॉक्टरों में आक्रोश है और न्याय की मांग करते हैं। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। और सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर गगन गुप्ता। सर क्या है पूरा मोटो, क्या है आप लोगों का आज कैंडल मार्च निकालने का और क्या आप डिमांड करते हैं सरकार से? हेल्थ प्रोफेशनल्स की सुरक्षा। जी 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 जी, वन डिमांड जस्टिस फॉर द इनजस्टिस डन इन कलकत्ता एंड सिक्योरिटी फॉर द ऑल द हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑफ द कंट्री। अपना विरोध और इसका अपना जो भर्त्सना करती हूँ, अपना विरोध व्यक्त करने आई हूँ। और मेरी यही इच्छा है कि हमारे देश में सभी डॉक्टर, सभी महिलाएं, सिर्फ लेडी डॉक्टर नहीं, हर महिला सुरक्षित होनी चाहिए। इसलिए इस प्रकरण पे ऐसी कार्रवाई हो जो मिसाल बने। क्या आप लोगों ने सोचा है? अभी आपका कैंडल मार्च निकल रहा है, हड़ताल का आपका सातवां दिन है, आगे क्या आप लोग? हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं, हम बस ये अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि हम इस घटना से आक्रोशित भी हैं और द्रवित भी हैं। जी जी, हम एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी और हम मृतक की आत्मा के लिए, शांति के लिए जमा हुए यहाँ पे। जी जी जी, हम अपनी श्रद्धांजलि देने आए हैं यहाँ पे। ठीक है, यही मुझे क्या कहना चाहेंगे आप पूरी घटना? जी, ये बहुत दुखद घटना है। देखिए, ऐसा डॉक्टरों के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये देश की हमारी बहन बेटी हैं और अभी 15 अगस्त का समय गुजरा है और इस वक्त हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं 78वें स्वतंत्रता दिवस के बाद भी। जी जी, तो ये बहुत शर्मनाक बात है और इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करनी चाहिए। जी, तो यहाँ देख सकते हैं कड़े शब्दों में जो घटना हुई है उसकी निंदा हुई है। और क्या नाम है आप? मेरा नाम त्रिशक्ति प्रसाद सानी है। क्या कहना चाहेंगे त्रिशक्ति जी? मैं ये घटना बहुत दर्दनायक घटना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था। और ये इसमें सब लोग को आगे आना चाहिए, इसके विरुद्ध में लड़ना चाहिए था, लड़ना चाहिए। और इसी के लिए मैं एक छोटी सी कुछ पोएम लिखा हूँ, तो आपको पोएम मैं सुनाना चाहता हूँ। लूटी है एक बेटी तो लूटा सम्मान हम सबका है। लूटी है एक बेटी तो लूटा सम्मान हम सबका है। लुटेरा अगर है आज़ाद तो अपमान हम सबका है। मेरा मकान अभी लूटा है, शहर में मकान हम सबका है। चुप क्यों बैठे हो आज? बोलते तो थे कि डॉक्टर भगवान हम सबका है। यही कहना चाहूँगा कि सबको आना चाहिए। अगर हम लोग को भगवान मानते हैं तो हमारे विरुद्ध में कुछ हो रहा है, चाहे किसी के विरुद्ध में रेप जैसे घटनाएं हो रहा है, तो इसके विरुद्ध में लड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। और डॉक्टर के साथ दिन प्रतिदिन ऐसे घटनाएं बढ़ते जा रहा है, कभी कोई गाली दे रहा है, कभी कोई पीट दे रहा है, ऐसे इमरजेंसी में चाहे कहीं भी हो रहा है। तो इसके लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, केंद्रीय ऊपर से होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए और हम लोग को सुरक्षा प्रदान होना चाहिए। जैसे पुलिस के होता है, कोई हाथ नहीं उठा सकता है, लेकिन हम लोग को कोई भी हाथ उठा सकता है। अगर हम लोग भी तो अपना से सारे कोशिश करते, 36 घंटे और भी 48 आवर्स हम लोग काम करते, फिर भी हम लोग को प्रोटेक्शन नहीं है, क्या मतलब है ऐसे काम करने का? दर्द होता है। और इसमें भी अब आजकल ऐसी घटना चल रही है कि रेप भी हो गया, तो ये और दर्दनायक विषय है। तो यही कहूँगा कि सबको आगे आना चाहिए, जनरल जो कॉमन पीपल है उसको आगे आना चाहिए और इसके विरुद्ध लड़ना चाहिए। यहाँ जितने भी लोग हैं उनकी मांग यही है कि ये बहुत ही निंदनीय घटना और समाज के हर वर्ग को आना चाहिए, न कि सिर्फ एक डॉक्टर बल्कि प्रत्येक महिला की सुरक्षा सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। हमारे